उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़ खानों पर एक्शन से राज्य में मीट बंदी के हालात बन गए हैं। अब राज्य के 44 लाइसेंस शुदा बूचड़ खानों में से 26 अलग अलग कमियों की वजह से बंद हैं। मीट कारोबारी हड़ताल पर हैं। बूचड़ खानों पर कार्रवाई का असर मुर्गे के व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। इसी के साथ अवैध बूचड़ खानों पर अब राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कार्रवाई हो रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। लखनऊ में टेबल पर मुर्गियां क्यों नजर आईं? ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। रायपुर नगर निगम ने 11 मीट दुकानों को 3 दिन में बंद करने का आदेश दिया है। मांस मटन बिक्री के लिए नोटिफाइड जगह होती है, जो हमारे यहाँ कुछ मार्केट है उसमें वो जगह नोटिफाइड है। ये कहीं पर भी अपनी दुकान खोल लेते हैं, इसलिए इनको हमने नोटिस दिया है कि आप उस जगह को बंद करें। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन ने मीट दुकानों पर छापेमारी कर लाइसेंस चेक किए और अवैध दुकानों का सामान जब्त किया। यहाँ सूचना मिली थी कुछ दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, तो आज उस शिकायत पर हम लोग यहाँ पे आए हैं और प्रत्येक दुकान का लाइसेंस चेक कर रहे हैं। जिसके पास लाइसेंस नहीं है उस दुकान को बंद किया जा रहा है। राजस्थान में भी सरकार अवैध बूचड़ खानों पर सक्रिय हो गई है। नगर निगम का कहना है कि 1 अप्रैल से अभियान चलाया जाएगा, खासतौर पर उन दुकानों के खिलाफ जो अवैध रूप से मीट का कारोबार कर रहे हैं। मैं जयपुर के इस वक्त ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हूं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दुकानें हैं जहां पर मीट बेचा जाता है। यहां पर मीट को काटा भी जाता है, जबकि कायदे से स्लॉटर हाउस के जरिए काटे गए मीट को लाना चाहिए। उस ड्राइव के अंतर्गत जो भी अवैध बूचड़खाने हैं, अवैध दुकानें हैं, अवैध मांस की दुकानें हैं, नियमानुसार का काम नहीं कर रहे हैं, उन सब लोगों को हम इसमें बंद भी करेंगे, सीज भी करेंगे, हटाएंगे भी। और अभी मौका है, 2-3 दिन में वो जो भी लाइसेंस लेना चाहे वो लाइसेंस ले सकते हैं। इसकी शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश से, जहां योगी सरकार आने के बाद अवैध बूचड़ खानों पर एक्शन शुरू हुआ, जिसके बाद 3 दिन से मीट कारोबारी हड़ताल पर हैं। लखनऊ में तो हड़ताल पर गए मुर्गा कारोबारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ लाई गई मुर्गियां टेबल पर सजा दी गईं। मुर्गा कारोबारियों की मांग है कि सरकार जल्द लाइसेंस जारी कर मुर्गा कारोबारियों को होने वाला नुकसान रोके। यूपी सरकार का कहना है कि वो दबाव डालने की कोशिशों से डरने वाली नहीं है। और ये सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है, चाहे कोई स्ट्राइक करे या कुछ राजनीतिक रंग देने की कोशिश करे। लीगल तरीके से ये सरकार चलेगी, कानूनी तरीके से सरकार चलेगी। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानून का राज का मतलब है राम राज्य। पूरे मामले को सुलझाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से बूचड़खाना संघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। और जब हमने कहा है कि हम खुले मन से, खुले दिमाग से आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम रास्ता ढूंढने का प्रयास करेंगे, मगर जो भी हम ढूंढेंगे वो कानून के तहत होगा। उचित व्यवस्था होने तक पुरानी पशु वधशालाएं जो सरकारी हैं वहां जानवर वध करने की अनुमति दें। और हम नहीं चाहते कि गली मोहल्लों के अंदर पशु वधशालाएं हों और गली मोहल्लों के अंदर पशु वध किए जाएं, नागरिकों को परेशानी हो, खून नालियों में बहे। सरकार ने बात सुनी, हड़तालियों ने बात कही, पर बातचीत के बाद भी तत्काल कोई समाधान होता नजर नहीं आ रहा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।